बसमीम एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड सेफ सो आज हम बात करेंगे उस्मान अली के बहुत ही खूबसूरत एक के बारे में दैट इज़ द लास्ट मेटाफर हम द लास्ट मेटाफर का ओवरऑल एक व्यू भी देखेंगे हम uh, इसको एक्ट वाइज भी डिस्कस करेंगे तो लेट्स टॉक अबाउट उस्मान अली के हु वाज उस्मान अली या हु इज़ अली तो स्मान अली का बहुत ही बड़ा नाम है इन इंटरनेशनल पाकिस्तानी लिटरेचर तो सबसे पहले हम इनका इंट्रो देख लेते हैं उस्मान अली जो है वो पैदा हुए नाइनटीन में तो इनकी डेट ऑफ बर्थ से हमें यह अंदाज़ा हो सकता है कि ही इज़ द प्रोडक्ट ऑफ ट्वेंटी सेंचुरी हम ये भी देख सकते हैं कि इनकी जो राइटिंग्स हैं इनमें पोस्ट फॉर लिटरेचर का भी इन्फ्लुएंस हमें मिलता है हमें पाकिस्तानी लिटरेचर का भी इन्फ्लुएंस मिलता है या फिर हम इन्हें कहीं ना कहीं पोस्ट मॉडर्न लिटरेचर के राइटर भी कह सकते हैं एज ही इज़ ट्रेवलिंग टूवर्ड्स ट्वेंटी फर्स्ट सेंचुरी ऑल्सो सो तो अगर हम उस्मान अली की एजुकेशन के बारे में बात करते हैं तो Uh, जैसे पाकिस्तानी बाकी जो राइटर्स uh, हैं या ऑथर्स हैं जितने भी पोइट्स हैं ऑलमोस्ट सिक्सटी टू सेवेंटी परसेंट वो डिग्री लेने के लिए या फिर हायर एजुकेशन के लिए उन्होंने मूव आउट किया फ्रॉम पाकिस्तान और अब वो वहाँ पे सेटल हैं या फिर वहाँ से होकर पाकिस्तान के लिए लिख रहे हैं तो स्मानली इज़ नॉट लाइक डैम स्मान अली ने पाकिस्तान में ही रहकर पाकिस्तान के लिए काम किया है गॉड एजुकेशन फ्राम आ यूनिवर्सिटी इन पाकिस्तान लिटरेचर फ्राम पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर और इसी तरह से उन्होंने अपना काम जो है वह पाकिस्तान में ही रहकर uh, मज़ीद आगे बढ़ाया अगर हम उस्मान अली की अचीवमेंट्स के बारे में या कन्ट्रीब्यूशनस के बारे में बात करें तो इन्होंने बहुत सारी ऐसी चीज़ें की हैं या हम यूँ कह सकते हैं कि ही रेड मेनी ग्रेट थिंग्स लाइक शेक्सपियर के बर्थडे उस्मान अली ने शेक्सपियर को ट्रिब्यूट पेश करने के लिए हेमलेट के मैडनेस पे जो एक आर्टिकल लिखा था फिर अगर हम ये बात करें कि इन दिनों वो आ, उस्मान अली ही इज़ एसोसिएट विद यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात एंड यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा अगर हम इनके अपने प्लेस के बारे में बात करते हैं तो जो जो प्ले यानी जो मास्टर पेसिस हैं ऊस्मान अली के उनमें सबसे पहले नाम आ जाता है द प्रिजनर्स का दैन द गिल्ट द लास्ट मेटफ़र दिससी द ब्रैथ द फ्लूट तो इस तरह से बहुत से हम जो वो प्लेज ऊस्मान अली की ओर भी देख सकते हैं तो और फोकस इज़ द लास्ट मेटफ़र तो हम जो है वो आज बात करेंगे अबाउट द लास्ट मेटाफर सबसे पहले हम एक इसका ओवरव्यू ले ले लेते हैं कि लास्ट मेटाफर का स्ट्रक्चर या फिर इसमें कैरेक्टर्स या बैकग्राउंड या किस तरह से है फिर सबसे एंड में हम ये डिस्कस करेंगे कि द लास्ट मेटाफर लिखा क्यों गया इसके पीछे क्या रीज़न थी हम बात करें द लास्ट मेटाफोर के बारे में तो द लास्ट मेटाफोर हमारे पास एक पाकिस्तानी एंग्लोफोन ड्रामा है एंग्लोफोन ड्रामा मीन्स के जो आपकी नेटिव लैंग्वेज में ड्रामा या कोई भी आ, पीस ऑफ राइटिंग है वो अगर नेटिव लैंग्वेज में नहीं होता तो आप इसको एंग्लोफोन कहते हैं और जो राइटर्स होते हैं उनको एंग्लोफोनिक राइटर्स भी कहा जाता है तो पाकिस्तान में जो एंग्लोफोन ड्रामाज हैं उनको इतनी ज़्यादा प्रायोरिटी नहीं दी गई लेकिन उस्मान अली के द लास्ट मेटाफोर को बहुत ज़्यादा पज़ीराई मिली या यूँ कह लें कि इसको बहुत ज़्यादा सराहा गया ये थ्री एक थ्री एक्ट प्ले है इसमें हम देख सकते हैं कि जो डायलॉग्स हैं वो बहुत ही शॉर्ट हैं और डायलॉग्स को अगर हम देख अगर हम इसकी वीडियो देखें जो कि इंटरनेट पे मौजूद है अगर आप लोग इसको वीडियो में देखना चाहते हैं तो पूरा प्ले आप वहाँ पे देख सकते हैं गूगल पे जो so, अगर हम इसको देखें तो डायलॉग्स की जो डिलीवरी है वो जो कैरेक्टर्स हैं वो आपस में एक दूसरे को देखकर डायलॉग्स नहीं डिलीवर करें बल्कि वो तो टवर्ड्स तो ऑडियंस यानी जो ऑडियंस उनके सामने होती है वो उसको देखकर तो डायलॉग्स डिलीवर करे होते हैं जब हम इस प्ले में एक्ट्स के रीन देखते हैं या फिर हम जब आ, इनकी डायलॉग्स डिलीवरी को देखते हैं या डायलॉग्स के स्ट्रक्चर को देखते हैं या कैरेक्टर्स को देखते हैं तो इस सब को इन व्यू रखते हुए हम ये कह सकते हैं कि द लास्ट मेटाफर कहीं ना कहीं सैम्यूल बैकेट्स की वेटिंग फॉर गोडो और शेख़ोफ के बियर के यानी इन दोनों प्लेस के साथ ये मिलता जुलता है या यूँ कह लें कि इनका ऑलमोस्ट स्ट्रक्चर जो है वो बिल्कुल सेम है और कहीं ना कहीं हमें लगेगा कि थीम्स भी इनके सेम हैं द लास्ट मेटाफर के अगर कैरेक्टर्स के बारे में हम बात करें थीम्स सिचुएशंस डायलॉग्स तो इन सब से हमें कहीं ना कहीं पता चलता है कि दीज आर डिपेक्टिंग पाकिस्तानी सोसाइटी कि पाकिस्तानी सोसाइटी किस तरह से है पाकिस्तान सोसाइटी में क्या मसाइल चल रहे हैं या पाकिस्तानी सोसाइटी में किस तरह की सफरिंग्स हैं तो वो सब कुछ जो है वो लास्ट मेटाफोर मेटरफॉर्म उस्मान ने, ने बहुत ही खूबसूरती से दिखाया है इसी वजह से हम ये कह सकते हैं कि थ्रू कैरेक्टर्स थीम्स सिचुएशंस डायलाग्स कि ये एक हमें ये पता चलता है कि ये एक पाकिस्तानी ड्रामा है और हम इसको आ, पोस्ट कलोनील लिटरेचर से भी कंपैरिजन इसका कर सकते हैं या हम यूँ कह सकते हैं कि ये पोस्ट कलोनील लिटरेचर में भी फॉल करेगा क्यों क्योंकि देखें यहाँ पे हम कलोनीलिज़म का भी इफ़ेक्ट देख रहे हैं कि हम जो है वो कलोनाइज थे हमारे ऊपर ब्रिटिशर्स ने रूल किया हमारे ऊपर जो है वो यानी इंग्लिश जो थे उनका इन्फ्लुएंस था तो जब वो गए तो उनके जाने के बाद भी हम हमने क्या किया कि इंग्लिश लैंग्वेज को ही अडॉप्ट किया और इंग्लिश स्टाइल को अडॉप्ट किया आपने जैसे देखा अभी मैंने आपको बताया कि वेटिंग फॉर गोडो से आप इस प्ले को अगर आप कंपेयर करें तो आपको सिमिलैरिटीज़ मिलेंगी तो हम उनके लिटरेचर से भी जो है वो इन्फ्लुएंस्ड हैं हम उनकी लैंग्वेज को भी अपना रहे हैं तो इट मींस कि ये हमारे पास पोस्ट कलोनियल लिटरेचर भी आ जाएगा द लास्ट मेटाफर दैन इफ़ यू टॉक अबाउट बैकग्राउंड या सेटिंग तो थ्रू आउट द यानी थ्री एक्ट्स हमारे पास बैकग्राउंड चेंज नहीं होता सेटिंग बिल्कुल सेम रहती है कहीं पर भी हम वीडियो में या फिर टेक्स्ट को पढ़ते हुए हमें ये नहीं लगता कि कहीं पर सेटिंग को चेंज किया गया एक्ट वन टू थ्री तीनों में सेटिंग जो है वो सेम रहती है फिर अगर हम मेन करेक्टर्स की बात करते हैं तो इसमें मेन करेक्टर सिर्फ दो ही हैं देश uh, आर जुगनू एंड बांका तो जुगनों और बांका के अलावा थर्ड कैरेक्टर का भी जिक्र आता है दैट इज़ बाली लेकिन बाली जो है वो स्टेज पे अपीयर नहीं होता बाली एब्सेंट ही रहेगा लेकिन वो जुगनो और बांका की जो डिस्कशन होती है तो उससे हमें पता चलता है कि थर्ड कैरेक्टर भी कहीं ना कहीं है और इन कैरेक्टर्स को यानी जब हम इनकी इनके डायलॉग्स जब हम सुनते हैं या जब हम इस टेक्स्ट को पढ़ते हैं तो हमें ये पता चलता है कि बांका जुगनों की हिस्ट्री बता रहा है और जुगनू जो है वो बांका की हिस्ट्री बता रहा है यानी ये, ये लोग अपने अपने यूँ कह लें कि अपने अपने डायलॉग्स के थ्रू एक दूसरे की हिस्ट्री के बारे में बता रही हैं एक दूसरे के बारे में बता रहे हैं और ये बेसिकली ये दोनों रिप्रेजेंट करें पाकिस्तानी सोसाइटी को पाकिस्तानी मिडल क्लास को या यूँ कह लें कि लोअर क्लास को हम ज़्यादातर इसमें जो है वो फिलोसफिकल डिस्कशन ही देखेंगे जो कि ले मैन जिसको नहीं समझ सकता इसमें बहुत सारे सिम्बल्स यूज़ किए हैं उस्मान ने कैरेक्टर्स भी सिम्बलिक हैं इसमें वो भी हम आगे चल के डिस्कस करेंगे इन ज़रूर और बाकी जो सिचुएशंस हैं या फिर जिस तरह से भी वो सराउंडिंग्स उनकी दिखाई गई सराउंडिंग में और कुछ भी नहीं है कोई कैरेक्टर इंटर नहीं होता लेकिन जो ये इनकी डायलॉग्स की डिलीवरी है या इनके डायलॉग्स हैं बांका और जुगनू के इन्हीं से हमें पता चलता है कि इनके इर्द गिर्द क्या हो रहा है अगर हम बात करते हैं एक्ट वन के बारे में तो एक्ट वन में बिल्कुल स्टार्ट से ही उस्मान अली ने जो सोशल इवल्स हैं पाकिस्तान में उनके बारे में उनका जिक्र किया है और थ्रू आउट द एक्ट हम ये देखते हैं कि सोशल इवल्स का ही जिक्र रहेगा हर एक डायलॉग के थ्रू आप अगर इस टेक्स्ट को पढ़ेंगे तो आई गारंटीड कि बहुत मज़ा आता है पढ़ने में क्योंकि हमें ये लगता है कि हमारी सोसाइटी में जो हमारे इर्द गिर्द जो कुछ हो रहा है वही स्मान ने इस प्ले में डाला है सो so, इसमें जो है वो उस्मान अल ने जिक्र किया है फेक इंकाउंटर्स का कि कैसे पुलिस जो है वो Uh, बेगुनाह लोगों को मारती है कितल गारत करती है उन पर बेगुना इल्जाम लगाती है दैन बैंक प्रॉबरीज के बारे में बात हुई है दैन ड्रग एडिक्शन के बारे में कैसे हमारी यूथ जो है वो ड्रग्स की तरफ जो वो माइल हो रही है दैन uh, कैसे जो है वो इंफ्लुशल जो पीपल हैं या पोलिटिशनस हैं कैसे अपनी पावर का गलत इस्तेमाल करते हैं इनजस्टिस के बारे में बात हुई है प्रॉब्लम ऑफ पोर पाकिस्त पाकिस्तानी या पुअर पीपल फेयर लैक ऑफ सेम्पति ये हम बहुत ज़्यादा इसमें देखेंगे आ, कि सेम्पथी भी वहाँ पे ही हमें दिखाई गई होगी कि जहाँ पे इन्फ्लुन्शल पीपल होंगे जहाँ पे कोई रिच पीपल होंगे तो पुअर के लिए पाकिस्तान में सेम्पथी भी नहीं है तो दीज़ आर ऑल सोशल इवल्स के जिनको हम थ्रू आउट आ, एक्ट वन टू और थ्री में भी देखेंगे लेकिन एक्ट वन में ज़्यादा है इन चीज़ों के बारे में डिसकस सो so, हम ये कह सकते हैं कि दिस ड्रामा इज़ द डिस्कशन ऑन सोशल इवल्स यानी जस्ट आप ये कह लें कि जस्ट एस ड्रामा का ये है कि दिस एज डिस्कशन ऑन सोशल्स के क्या क्या रूट कॉजेज़ हैं या क्या क्या ऐसी रीज़न्स uh, हैं कि जिनकी वजह से पाकिस्तान में ये प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं फिर हम देखते हैं कि एक्ट वन में uh, दो जो है वो बॉयस हैं उनकी स्टोरी भी नरेट की गई है कि कैसे उनको पुलिस आके उठाती है मारती है उनको घसीटती है फिर um, उनको हीट करती है और विदाउट एनी रीज़न विदाउट एनी कॉज़ और फिर इसी तरह से उनकी कोई गलती नहीं होती और ना सिर्फ पुलिस बल्कि इर्द के लोग भी उन पर पथराव करे होते हैं इर्द गिर्द के लोग भी उनको बचाते नहीं हैं नो no सेम्पथी फॉर देम यानी वो भी वहाँ पर जो है वो पुलिस का ही साथ देते हैं क्योंकि इन्फ्लुएंशियल है फिर हम देखते हैं कि बांका जो है वो अपनी स्टोरी बताता है अपनी फैमिली की डेथ की स्टोरी बताता है चार जनरेशन उसकी कैसे है, जो है वो यानी एक ही काम करते हुए उसी में जो वो यूँ कह लें कि मौत के मुँह में गई वो अपने ग्रैंड फादर ऑफ़ द फादर के बारे में बताता है देन अपने ग्रैंड फादर के बारे में बताता है फ़ादर के बारे में बताता है एंड देन अपने ब्रदर के बारे में कि कैसे वो जो है वो यानी काम करते थे वो जो ट्यूब वेल या कुएँ होते हैं वहाँ पर वो उनकी मरम्मत का काम करते थे रस्सी लगा के वो नीचे जाते थे और कभी अगर जो रस्सी टूट गई तब भी वो वहाँ पे कोई बंदा मर जाता था फिर अगर किसी को यूँ कह लें कि कोई बहुत ज़्यादा गहराई में चला गया ऑक्सीजन काम हो गई वहाँ पे इस तरह से लोग मर गए तो ये इन चारों की जो है वो स्टोरी बताता है कि ये ऐसे ऐसे जो है वो हैं, यानी हम यहाँ पे जो है वो कहीं ना कहीं डेथ का इफेक्ट भी देखते हैं या हम ये देख सकते हैं कि रियलिटी ऑफ लाइफ या रियलिटी ऑफ डेथ जो है वो यहाँ पर हमें अली ने दिखाई है अगर हम एक्ट टू के बारे में बात करते हैं तो एक्ट टू में जो ही एक्ट टू स्टार्ट होता है तो बांका को हम देखते हैं कि ही इज़ कैरिंग अ डेड बॉडी अब वो डेड बॉडी किसकी है ये सबसे एंड में जाके रिवील होता है और यही मिस्ट्री है इस ड्रामा की और थ्रू आउट द ड्रामा इस डेड बॉडी को दफनाया नहीं जाता इसको कोई दफनाने के लिए तैयार नहीं है इवन जो अर्थ है ज़मीन है वो भी इनकार कर रही है अकॉर्डिंग टू तो बांका ठीक है ये बांका के कुछ डायलॉग्स हैं ये मैं इनशाला अपनी जो अगली वीडियो द लास्ट मेटाफर के बारे में मैं अपनी अगली वीडियो अपलोड करूँगी उसमें मैं इसके डायलॉग्स भी डालूंगी उसमें स्पेसिफ़िक क्वेश्चन हैं कुछ मैं उन पर भी इन वर्क करूँगी सो तो आज हम सिर्फ इसका जो कह लें कि समरी देखते हैं ओवरव्यू देख लेते हैं तो बांका ही ये आ, कहता है कि Uh, जो ज़मीन है वो भी इस डेड बॉडी को लेने से रिफ्यूज़ कर रही है और इवन जो पहले से दफन हैं ज़मीन में ज़मीन उनको भी वोमिट कर रही है वोमिट मीनस के डेड uh, बॉडीज़ जो हैं जो ज़मीन है वो उनको अर्थ क्वेक के थ्रू जो वो वापस बाहर फेंक रही है फिर फ्लड जब आता है तो फिर जो डेड बॉडीज़ हैं वो सारी के सारी वापस बाहर आ जाती हैं फिर हम uh, काफ़ी सारे सिम्बल्स जो है वो एक्ट टू में देखते हैं सिम्बल ऑफ़ फायर है फायर यानी ये दिखाया गया है फायर से कि फायर के साथ वो खेलते हैं उससे उसके नज़दीक अपने हाथ लेकर जाते हैं उसको एक किस्म का अपने हाथ में पकड़ते हैं फायर को लेकिन फायर उनको नुकसान नहीं पहुंचाती फायर में वो आग में वो तपिश ही नहीं रही है यानी फायर भी अपना फंक्शन जो है वो प्ले नहीं कर रही है वो मजीद जो है वो यानी उनको तपिश नहीं दे रही हीट नहीं दे रही जो उसका काम है फिर हम देखते हैं वाटर बेसन है वहाँ पर फ्रिक्वेंटली वो बार बार जा अपने हाथ धोते हैं मुँह धोते हैं बांका और जुगनों दोनों फिर हम ये भी देखते हैं कि सराउंडिंग में आवाज़ें आ रही होती हैं फ्रिक्वेंटली डोर बल जो वो बज रही होती है uh, फिर हमने ये भी देखा एक्ट टू में कि जो uh, दोनों कैरेक्टर्स हैं बांका और जुगनू जैसे हमने बात की कि uh, एक्ट वन के स्टार्ट में मैंने आपको बताया था कि उस्मान अली ने सोशल इवल्स के बारे में बात की और उसने कहा कि ड्रग एडिक्शन भी हमारी सोसाइटी का एक हिस्सा है तो थ्रू आउट द uh, थ्री एक्ट्स हम ये देखते हैं और स्पेशली एक्ट टू में कि बांकों और जुमनू बार बार कभी एक सिगरेट मांग रहा है कभी दूसरा सिगरेट मांग रहा है कभी एक कॉफ़ी मांग रहा है कभी दूसरा कॉफ़ी मांग रहा है कभी पीते हैं और कभी नहीं पीते लेकिन सिगरेट का बहुत ज़्यादा वो फ्रिक्वेंटली यूज़ करते हैं उसको बार बार उसकी डिमांड करते हैं फिर हमने ये भी देखा कि थ्रू आउट द प्ले थ्रू आउट द प्ले दे डिड नथिंग कि वो उन्होंने कुछ भी नहीं किया वो एक जगह पे हैं अंदर जा रहे हैं बाहर आ रहे हैं वो उनके पास डेड बॉडी है वो उसको भी दफना नहीं रहे यानी उनका कंट्रीब्यूशन बिल्कुल भी कुछ नहीं है वो बिल्कुल भी यानी वो ज़िंदा हैं लेकिन अपने ज़िंदा होने का जो रोल है वो प्ले नहीं कर रहे तो यहाँ पे हम इसको दोबारा रिलेट कर सकते हैं वेटिंग फॉर गोडो से जैसे वहाँ पे दो कैरेक्टर्स हैं विलाडमर और एस्ट्रगन वो इसी तरह से आ, दे आर वेटिंग फॉर गोडो दे आर वेटिंग फॉर समवन कि कोई आएगा और हमारी सोसाइटी को चेंज करेगा और हमें सहारा देगा तो सेम इज़ द केस हेयर कि के यहाँ पर जुगनू और बांका दे आर नॉट वेटिंग फ़ॉर समवन लाइक कि कोई आएगा हमें चेंज करेगा लेकिन हम कहीं ना कहीं इनको जो है वो और एस्टन से रिलेट कर सकते हैं फिर अगर हम बात करें एक्ट थ्री के बारे में तो एक्ट थ्री में भी ऑलमोस्ट सेम ही सिचुएशन होती है जैसे कि एक्ट टू में है अगेन वो डेड बॉडी होती है वहाँ पे और उसकी बरियल बोरियल यानी उसकी uh, तदफीन के बारे में बात की जा रही होती है uh, फिर एक्ट थ्री में जिक्र आता है कैरेक्टर बाली का बाली जो है वो स्टेज पे अपीयर नहीं होता फिज़िकली uh, हम उसको नहीं देखते कहीं भी ड्रामा में प्ले uh, में लेकिन उसका जिक्र जो है वो जुगनू और बांका कॉन्स्टेंटली यहाँ पे एक्ट थ्री में करते हैं और बाली है कौन बाली इज़ द मेन हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर बरियल के यानी वो जिसे हम उर्दू में गोरकन गेस कहते हैं हाँ जी बिल्कुल कि जो जिसका काम होता है कब्रिस्तान को मैनेज करना और कब्रों क़ब्रें बनाना और फिर वहाँ पे लोगों को कब्रों के लिए जगह देना लेकिन अगर ये देखा जाए तो सम्बोलिक कैरेक्टर है बाली सम्बोलिक कैरेक्टर कैसे है कि किसी भी एक आदमी की डेथ जो है वो उसके लिए आ, सर्वाइवल का बायस बन रही है यानी किसी की डेथ होगी कोई आ, अपने प्यारे को दफनाने जाएगा इन ग्रेव बाली की मदद लेगा तो बाली क्या करेगा कि उस डेड बॉडी को दफनाने के लिए फ़ी चार्ज करेगा यानी एक आ, किसी की ज़िंदगी ख़त्म हो रही है तो यहाँ पे किसी की ज़िंदगी शुरू हो रही है ये यूँ कह लें कि वो उसके सर्वाइवल का उसके रहने का उसके उसकी इनकम का सोर्स है तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि ये सम्बोलिक कैरेक्टर है फिर हमने ये भी देखा कि थर्ड एक्ट में जब बाली से बांका रिक्वेस्ट करता है कि तुम जो है वो इस डेड बॉडी को दफना दो तो बाली जो है वो बाली भी उसको यानी ये काम करने से वो इनकार कर देता है ड्यू टू तो मेनी रीज़न्स और सबसे मेन रीज़न जो वो उसकी जो कह लें कि वो उसकी गरीबी है तो बाली भी अगर वो दफनाता भी है लोगों को या बरील का काम करता भी है तो वो सिर्फ इन्फ्लुनशियल पीपल के लिए या फिर सिर्फ अमीरों के लिए दैन थर्ड एक्ट ऑलसो uh, इंडिकेट्स के गॉड जो है वो हमसे बहुत ज़्यादा नाराज़ हो गया है ह्यूमेंटी जो इसी वजह से सफरिंग कर रही है ह्यूमेंटी यानी इंसानियत जो है वो कहीं ख़त्म ही हो गई है यूँ कहा जा सकता है इट इज़ द बेटर वे फिर कैरेक्टर्स जो वो हम देखते हैं कि वो बहुत ज़्यादा माफ़ी मांग रही हैं अल्लाह तला से और बहुत जो माफ़ी की बीक मांग रहे हैं कि हमारे गुनाहों को माफ़ कर दे और ताकि अल्लाह तला जो है वो हमसे राज़ी हो और हमारी सोसाइटी के हालात कुछ बेहतर हों तो हम ये देख सकते हैं कि कैरेक्टर एक्ट वन में टू में एंड थ्री में जो वो फोर्सेज ऑफ़ नेचर को भी दिखाया गया है फ़ोर्सेज़ ऑफ़ पीपल को भी दिखाया गया है कि कैसे लोग और कैसे नेचर जो वो एक दूसरे के साथ क्लैश में है या फिर कैसे एक दूसरे पे इफ़ेक्ट करते हैं और किस तरह से ये एक दूसरे के साथ बिहेव करते हैं लोग भी एंड देन फोर्सेस ऑफ नेचर भी फिर एट द एंड हम देखते हैं कि ये डेड बॉडी है किसकी तो एट द एंड इट इज़ रिवील दैट इट इज़ अ डेड बॉडी ऑफ अ डॉग दैट इज़ क्रश्ड बाय अ बाय द बस के फिर जब वो ये अनक्लेम्ड है यानी इसका ओनर कोई नहीं है इसका वारिस कोई नहीं है तो फिर जब एंड में बांका और जुगनू जब उस डेड बॉडी पर से कपड़ा हटाते हैं क्योंकि वो रैप की होती है कपड़े में तो जब वो कपड़ा उस पर से हटाते हैं तो देखा ही जा सकता है कि जो डॉग है उसकी आंखों से दो आंसू यानी बहते हैं तो वो आंसू यानी उसके आंखों से आंसू बहने की क्या वजह थी कि दैट इज़ हेल्पलेसनेस ऑफ द डेड बॉडी कि क्यों जो है वो इस तरह की चीज़ें सोसाइटी में हो रही हैं तो डेड बॉडी भी है जो एक डॉग की वो भी ये सब देख कर ये ये सब महसूस करके वो रो रही है और दुखी हो रही है और अफसुदा हो रही है ड्यू टू द बिहेवियर ऑफ़ द सोसाइटी ड्यू टू द बिहेवियर ऑफ द पीपल अराउंड दैम तो अगर हम ये यहाँ तक जो वो प्ले था यहाँ पर प्ले ख़त्म होता है और हमने देखा कि इस डेड बॉडी को किसी ने भी तदफ़ीन इसकी नहीं की यानी ज़मीन ने भी इसको जगह नहीं दी सो so, यहाँ तक हमारा जो वो प्ले था तो हम अगर इसके बैकग्राउंड के बारे में बात करें तो बैकग्राउंड ग्राउंड में हमें ये पता चलता है उस्मान अली ने अपने एक इंटरव्यू में बताया कि बाई ही रोड दिस प्ले यानी उन्होंने जो वो डेड बॉडी ये डॉग की तो इसके बारे में क्यों लिखा तो ये पता चलता है कि वान्स ही वॉज ट्रैवलिंग तो एक डॉग जो है वो बस के आगे आ गया, गया एक्सीडेंट हो गया और बिल्कुल उसको क्रश कर दिया उस बस ने बस ड्राइवर ने और उस्मान अली का ये कहना था कि मैंने जो उसकी हड्डियों के टूटने की आवाज़ थी वो मैंने खुद सुनी और मैं उसको ख़ुद जो है वो महसूस मैंने किया दैट इज़ वाई दैट वॉज द रीज़न के uh, फिर उस्मान अल ने इस पर जो है वो ये uh, प्ले लिखा और बहुत ही खूबसूरती से जिसे कहते हैं कि बहुत ही एक uh, ज़बरदस्त अंदाज में उन्होंने पूरी की पूरी सोसाइटी को इसमें पोर्ट्रे किया सो थैंक यू सो मच दैट इज़ ऑल फ्रॉम माई साइड मैंने आज जो है वो आप लोगों को एक इस्प्ले का ओवरव्यू दिया है एंड आई ट्राई कि मैं आप लोगों को नोट्स भी प्रोवाइड करूं ऑन माय ब्लॉग थ्रू माय ब्लॉग तो उसका भी मैं इंशाल्लाह जल्द लिंक जो है वो इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूँगी सो so, अगर आपको वीडियो पसंद आई है या कुछ भी आपने इस वीडियो से सीखा है तो बतौर गिफ्ट आप इस वीडियो को लाइक कर दें कमेंट ज़रूर करिएगा और वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा अगली वीडियो तक के लिए दीजिए इजाज़त अल्लाह हाफिज़